हेलो स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एजी बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे, जिसमें जर्म प्लाज्म संरक्षण का अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम अध्ययन करेंगे जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म संग्रह। जर्म प्लाज्म संग्रह क्या है? किसी फसल, व उससे संबंधित जंगली प्रजाति के जीन प्रारूप, के संग्रह को जर्म प्लाज्म संग्रह कहते हैं। यानी जीन प्रारूप के संग्रह को जर्म प्लाज्म संग्रह या जीन बैंक कहते हैं, या जिसे क्या कहा जाता है, जीन बैंक। ध्यान रहे, जिसे जीन बैंक के नाम से भी जानते हैं। भारत में NBPGR में भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक स्थित है, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जो एक प्रकार से ICR की यूनिट है, जिसमें जर्म प्लाज्म संग्रह यानी एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक स्थित है। ध्यान रखना है आपको कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। जर्म प्लाज्म संग्रह के निम्न बिंदु हैं। जर्म प्लाज्म संग्रह के निम्न बिंदु हैं, नंबर 1 संग्रह कलेक्शन करेंगे, नंबर 2 संरक्षण, नंबर 3 मूल्यांकन, नंबर 4 सूचीबद्धन, नंबर 5 गुणन व वितरण, नंबर 6 उपयोग। सबसे पहले संग्रह की बात करेंगे। संग्रह क्या होता है कि किसी भी प्रजाति या उससे संबंधित जाति होती है, उसके जीन प्रारूप, के संग्रह को जर्म प्लाज्म संग्रह कहते हैं। उसके बाद में उसका संरक्षण किया जाता है। संरक्षण में आपको पहले बताया गया था, संरक्षण 2 प्रकार से किया जाता है, एक बाह्य स्थानीय संरक्षण, नंबर 2 होता है सब स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में आपको बताया गया था कि जब जर्म प्लाज्म को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है, तो उसे कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तथा जब जर्म प्लाज्म को उसके प्राकृतिक आवास में ही क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सब स्थानीय संरक्षण। उसके बाद में मूल्यांकन किया जाता है, यानी एक प्रकार से उसकी उपज गुणवत्ता अर्थात उसके उत्पादन का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद में सूचीबद्धन किया जाता है, अर्थात जिसमें प्रजाति, किस्म, उसके मूल्य, किस्म
अभिलक्षण, अभिलक्षण अभिलक्षण व अनुकूलन का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद में गुणन व वितरण किया जाता है, उसमें वृद्धि की जाती है, उसके बाद में उसका वितरण कर दिया जाता है और उसके बाद में उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये जर्म प्लाज्म संग्रह के क्या हैं, बिंदु हैं। अर्थात आप समझ चुके होंगे कि किसी फसल या उससे संबंधित जातियों में पाए जाने वाले जीन प्रारूप को क्या कहा जाता है, जर्म प्लाज्म कहा जाता है। अर्थात जर्म प्लाज्म वह सामग्री है जिसके द्वारा उन्नत किस्मों का विकास किया जा सकता है। अर्थात एक सफल पादप प्रजनन के लिए एक उपयोगी जनन द्रव का होना आवश्यक है। तो ये था अपना टॉपिक जर्म प्लाज्म संग्रह। तो इससे आगे नए टॉपिक के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।